सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप अपने डाउनलोड लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं विंडोज 10, 8 और 7 में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम से जो भी डाउनलोड करते हैं तो आपको वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में जाता है, तो हम अपने खुद के फोल्डर में कैसे उसको डाउनलोड करें, सेव करें, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाना है। ओके, यहाँ पर मैं एक फोल्डर का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर माय डाउनलोड फाइल। ओके, तो मैं यहाँ पर ये फोल्डर बना दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर माई कंप्यूटर में जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डाउनलोड का फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेंटर में मूव का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ये माई डाउनलोड फाइल के फोल्डर को जो मैंने क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करके उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दी। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो भी डाउनलोड फाइल्स थे वो यहाँ पर इस फोल्डर में आ गए हैं। तो इसी तरीके से आप जो भी फाइल्स को डाउनलोड करेंगे तो आप अपने इसी फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हैं अपने विंडोज़ PC में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।